हमारे बीच में आज जो वक्ता के रूप में मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर मदन बिष्ट सर, जो कि जो फॉरेस्ट की रिसर्च विंग होती है उसमें काफी लंबा अनुभव सर का है। और सर मतलब काफी लंबे समय से जो है जो IFS होते हैं उसके अलावा बहुत सी जो भी फॉरेस्ट से रिगार्डिंग सर्विसेज होती हैं उनको सर लगातार गाइड करते रहते हैं। सो आज के जो सर के विषय हैं वो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, अलोंग विद दैट सेकंड इशू जो हमने सर को दिया हुआ है वो मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप का है। और इसमें सर का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है हम चाहेंगे सर उसको ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शंकर IAS तो सभी के लिए सेम है, बट जो एक व्यवहारिक ज्ञान है, जो एक व्यवहारिक चीजें हैं, जो हम बोल सकते हैं कि चीजें जो एक अनुभव के आधार पे आती हैं, जो नेचर कंजर्वेशन के रिगार्डिंग सर का जो अपना एक्सपीरियंस है वो काफी लंबा एक्सपीरियंस है। तो वो लंबे एक्सपीरियंस को जो है सर हमसे शेयर करें हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो जी सर से मैं निवेदन जी करूंगा कि आज के विषय को शुरू करें। थैंक यू सर कि आपने अपना अमूल्य समय अपनी सर्विसेज के बाद भी हमें दिया और आपने सेशन के लिए समय निकाला और आप सेशन लेने आए। थैंक यू सर। सो सर प्लीज स्टार्ट द सेशन। जी सर। गुड इवनिंग। जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद हैं, मैं मेरे बारे में खास तौर से आपने बता ही दिया पीयूष जी। मदन सिंह बिस्ट पूरा मेरा नाम है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रेंज ऑफिसर हूँ। विगत 35 ईयर से पूरा वनों और वनों के वनस्पतियों के बारे में जो भी शोध कार्य है या उनसे जो लवलीहुड की बातें हैं वो सारी मेरे संज्ञान में है और मैं आपसे उनको शेयर करना चाहूंगा। इस समय खास तौर से जो दौर चल रहा है, ये अगर हम कोरोना की बात करें तो इस समय कोरोना की जो खास तौर से इम्यूनिटी बढ़ाने की बात हो रही है, वो हमारे पास बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं प्रकृति में, नेचर जिनको बनाता है वो एकमात्र इलाज कोरोना का। वो मैं बात करूंगा अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, कालमेघ, ब्राह्मी, बहुत सारी ऐसी वनौषधियां हैं जो प्रकृति में बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं और इनका आम जनमानस अगर स्वतः सेल्फ एक प्रकार से अगर यूज करता है तो इम्यून सिस्टम को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकता है और किसी प्रकार की संक्रमण से, इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। नंबर दो बात, इस समय जो एनवायरमेंट की बात हम कर रहे हैं, जो हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, प्रदूषण की बात कर रहे हैं, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, नॉइस पोल्यूशन हो, इसका भी एक ही रेमेडी हमारे पास है कि हम अपने फॉरेस्ट कवर को किसी भी तरह बढ़ाएं। और फॉरेस्ट कवर को भी खासतौर से ऐसे प्लांट्स हमारे पास होने चाहिए जो ऑक्सीजन रिलीज करते हो। खासतौर से ब्रॉड लीफ की अगर हम बात करेंगे, मैक्सिमम फाइकस की स्पीसीज उसमें आती है, उसके अलावा जितने भी ब्रॉड लीफ है उनको अगर हम लोग फॉरेस्ट कवर में शामिल करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है या देश में जो ज्वलंत एक उदाहरण भी बना हुआ है, तो उसको हम इससे निजात पा सकते हैं। मुझे खुशी है कि आप लोग जितने भी इस समय जो सिविल सर्विस की तैयारियां कर रहे हैं, आने वाला भविष्य आपका है और ये आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हम, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो नीति निर्देशक बनेंगे उनको इस बात की जानकारी होनी आवश्यक है कि हमारा जो फॉरेस्ट कवर है ये बहुत इस समय जो चल रहा है, हालांकि हमारे पास कवर बहुत है बट हमारे पास जो फॉरेस्ट सीज है वो कुछ कम मात्रा में है जो ऑक्सीजन रिलीज करती है। आप नेशनल हाईवे देखेंगे, जो अधिकतर नेशनल हाईवे में जो शहरीकरण हो रहा है उसमें जो जो ओल्डेस्ट प्लांट थे वो सब कट हो गए, उनकी जगह अगर हम न्यू प्लांट अगर प्लांटेशन करते हैं तो उनको बढ़ना बहुत टाइम लगता है। इसलिए हमारा एक ये उद्देश्य रहेगा कि हम अधिक से अधिक जो फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज हैं उनको अगर हम अपने प्लांटेशन में शामिल करेंगे तो वो एक बहुत अच्छा हमारे लिए अनुभव रहेगा। आप देख रहे हैं इस समय कि जो वाटर पॉल्यूशन की सबसे बड़ी समस्या है, 91 में एक
एक एनआईएस के रिपोर्ट आई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की, उन्होंने कहा कि आपका जो ग्लेशियर है उसका गंगा का गौमुख, वो इस समय 2016 में 1 किलोमीटर यानी 1600 मीटर पीछे खिसक गया। इसका मतलब तापमान में वृद्धि हुई है, जो जो हमारा ग्लेशियर है वो पिघल रहा है, पिघलने की वजह से जो सारी नदियां हैं उनका जल स्तर बढ़ रहा है, जिसका सीधा परिणाम सुनामी और दूसरे तरह के इस तरह के जो घटनाक्रम है उस पर असर पड़ता है। तो हमें आवश्यकता है कि तापमान को कम करने के लिए उन क्षेत्रों में हमें ऐसे वृक्ष प्रजातियां लगानी चाहिए जो खासतौर से जल को संरक्षण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सॉइल बाइंडिंग बहुत मस्त है, क्योंकि कटाव जैसे नदी का नदी में जो नाले बह रहे हैं या एक प्रकार से कहना चाहिए कि जो रेन का जो सिस्टम परिवर्तन हुआ है उसके तहत जो कटाव हो रहा है वो उसको रोकना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो सिल्टेशन हो रहा है वो सीधे सीधे हमारी नदियों का जल स्तर को बढ़ा रहा है, गाद नदियों में भर रहा है। तो उसके लिए बहुत सारी जो झाड़ी प्रजातियां हैं उन झाड़ी प्रजातियों को हम लोग लगाने का प्रयास करें, ताकि हमारा जो जो सॉइल जो कटाव हो रहा है, जो सॉइल इरोजन हो रहा है, उस इरोजन को हम लोग बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इस समय ये देख रहे हैं कि जो शहरीकरण, अत्यधिक शहरीकरण हो रहा है। शहरीकरण के कारण यह है कि जो फार्म्स थे, जो एग्रीकल्चर लैंड थी, वो लैंड भी कम हुई है। उस एग्रीकल्चर लैंड को कम करने के लिए जो बिल्डिंग जहां पर मैक्सिमम बने हैं उन बिल्डिंग्स में हमें जो है जो पौधारोपण करने की आवश्यकता है हम गमलों में कर सकते हैं। हम लोग जो है वर्टिकल प्लांटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्टिकल प्लांटेशन में बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो एयर पॉल्यूशन को कम करता है और एयर प्योरीफायर का काम करता है। ये बहुत मैं शुक्रगुजार हूंगा पीयूष जी का कि जिन्होंने मुझे इस सेशन में आपके साथ शेयर होने का मौका मिला है, और मैं यही आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मैक्सिमम जो भी नीति निर्देशक बनेंगे उन्हें हमारे इस वनों को या वनस्पतियों को संरक्षित करने के लिए जो एक आह्वान करना होगा वो बहुत जरूरी है, बिना इसके कुछ भी संभव नहीं होगा। आज देख लिया जो कोरोना की स्थिति है, आप देख रहे हैं कोरोना में सारा मनुष्य एकदम डूब गया है। सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि हम वनस्पतियों के साधन में जिए, और जिसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा वही इस समय ज्यादा सर्वाइव कर रहा है। और इसमें मेन जो रोल है वो सिर्फ वनस्पतियों का है। 3-4 चीजें मैंने जो आपको बताई, उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं वनस्पतियों का सेवन करते हैं तो हेलो आवाज आ रही, हेलो आवाज आ रही, हेलो हेलो। मेरा जो मुख्य आप लोगों से जुड़ने का एक जो तात्पर्य है वो ये है कि अगर हम जो वनस्पतियों की बात कर रहे थे, वनस्पतियों में हमें कुछ ऐसी वृक्ष प्रजातियां हैं, जैसे हम फाइकस प्रजातियों की बात करेंगे तो उसमें पीपल है, बरगद है, पीथन है, ऐसी स्पीसीज है जो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मांगते हैं। अगर हम पीपल की बात करेंगे, पीपल रात में भी ऑक्सीजन को देता है। और ये जो पेड़ थे हमारे फोरफादर्स ने बहुत पहले लगाए थे पानी के तहत, लेकिन हम आधुनिकीकरण के दौर में आप दिल्ली और जयपुर राजमार्ग की अगर बात करेंगे, आज से 20 साल पहले ये सारे वनस्पतियां सारे पेड़ उस हाईवे पे थे, लेकिन हाईवे के चौड़ीकरण के कारण वो सारे पौधे काटने पड़े। तो उसका आप सब्स्टिट्यूट क्या है, हमें विकल्प भी तलाशना पड़ेगा। हम शहरीकरण की ओर तो जा रहे हैं, लेकिन हमें विकल्प तलाशना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपने इस शहरीकरण को भी बरकरार रख सके और अपने पर्यावरण प्रदूषण को भी से भी हम निजात पा सके। तो इसके लिए यह है कि हमें शहरों में जो भी गलियां हो या जो भी या जो इंस्टीट्यूट हो बड़े बड़े या स्कूल कॉलेजेज हो, वहां के फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना पड़ेगा। खेती की तरफ को भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कर रहे हैं वहां भी कम से कम के तहत ऐसे स्पीशीज को हम लोग ग्रो करें जो हमें पर्यावरण प्रदूषण से भी निजात
नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही फिर। हेलो, अब सही है। हेलो सर, बीच बीच में आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए, जब आएगी मैं बता दूंगा आपको। तैयारी? जी 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 ठीक, कंटिन्यू करूं? जी 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 तो ये सारा चीज हमें प्लानिंग के तहत करनी होगी और इसमें युवाओं की बहुत बड़ा भागीदारी रहेगी। जो युवा जो जो हमारे सिविल सर्विसेज में आने वाले जो बहुत बच्चे हैं, जो कल को नीति निर्धारक बनेंगे, उनके संज्ञान में ये चीजें होंगी कि हम इस पर्यावरण प्रदूषण से निजात पाने के लिए अपने फॉरेस्ट कवर को किस तरह बढ़ाएं। बहुत जरूरी है फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना। अगर हम फॉरेस्ट कवर नहीं बढ़ा पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे से लिंकेड है। किसी में अगर हमारे जहाँ वनस्पतियां कम हो रही है, वही हमारा वन्य जीवन भी बहुत कम हो रहा है। अब बर्ड्स की बात करेंगे, चिड़िया जिन पेड़ों में घोंसला लगाती थी, नेस्टिंग करती थी, वो पेड़ बहुत कम मात्रा में पैदा हो, लोग उनको जो पुराने पेड़ थे वो सब चौड़ीकरण के चक्कर में कट डाउन हो गए, नए स्पीसीज लग नहीं पा रही, या अगर हम लगा रहे हैं तो मोनोकल्चर के तहत पर्टिकुलर स्पीसीज को लगा रहे हैं जिसमें उनका वास नहीं होता है। जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसी वृक्ष प्रजातियां लगानी है जिसमें समावेश हो, वो हर्ब्स भी हो, सर्प भी हो, मिडिल ट्री भी हो और फुल ट्री भी। ये सारी चीजें का संज्ञान हम अगर लेंगे तो एक दिन जरूर हम इस पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त हमें मिल पाएगी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, गुड आफ्टरनून सर। सर हेलो, हेलो जी सर, कंटिन्यू कीजिए। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो हम वनस्पतियों के सारे अपने को सॉल्व नहीं कर सकते। इवन जो अगर हम सर के लिए भी हमारे पास एक वनस्पति है, एक पेड़ है जिसका नाम है थुनेर, इसको बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन है उसका टेक्सस बगाटा, उससे एक टैक्सोल निकलता है, एक गोंद निकलता है जो कैंसर एंटी कैंसर गोंद। उसके अलावा एक जनरल प्लांट है जिसको जनरल भाषा में कचनार बोलते हैं, जनरल आम आदमी भी उसको जानता है। तो कचनार की जो बार्क है उससे अगर हम अगर किसी को सिस्ट हो जाए, खासतौर से लेडीज में, गायनोकोलॉजिस्ट में अगर किसी को, गायनीज में किसी को अगर सिस्ट हो जाए ओवरी में, तो ओवरी के सिस्ट को भी खत्म करने की ताकत है इस कासनार में या टैक्सस बगाटा में। या एक और प्लांट है जिसको बोलते हैं अचल कूट, डाइसोडेलम पाइनेक्टिफेरम उसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन है। ये सारी जो प्रजातियां हैं ये वनस्पति में मौजूद है। इसके अलावा सबसे जो खतरनाक डीजे चल रही है वो है डायबिटिक शुगर। शुगर में आप बहुत सारी चीज, नीम की लीफ आप ले सकते हैं, जो मेथी का दाना है उसको आप ले सकते हैं, सदाबहार एक फूल होता है लाल रंग का और एक व्हाइट रंग का, दो तरह का सदाबहार आपने देखा होगा घरों के इर्द-गिर्द बहुत फूला रहता है। उसमें जो लाल रंग का है वो एंटी कैंसरस गुण उसमें है और जो व्हाइट रंग का है उसको एंटी डायबिटिक। इसके अलावा एक और जो वनस्पति पौधा है जिसको अनफॉर्चुनेटली कहें 4-5 साल से मैं उसको, उस पर बहुत सारा मैंने काम किया है और अभी तक लगभग 2-2.5 लाख सैपलिंग हमने पूरा ऑल ओवर इंडिया उसको शूट किया है। एक पौधा है कास्मिका, उसका नाम है चिकोरियम इंडाइक्स, एंटी डायबिटिक है, एंटी बीपी है और सबसे ज्यादा लाभ उससे है आपके किडनी, क्योंकि किडनी का देखिए कोई इलाज नहीं है, किडनी किसी की फेल हो जाए तो कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट कर या फिर डायलिसिस से समटाइम्स को हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये जो हब्स है ये हब्स किडनी को दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास नेचर में उपलब्ध है और इसके लिए हमने एक कैंपेन भी चलाई हुई है। अगर किसी सज्जन को इस पौधे की अगर जरूरत होती है तो हल्द्वानी उत्तराखंड में हमारा एक सेंटर बना हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वहां पर हम प्लांट को ग्रो करते हैं, ग्रो करके आम आदमी उसको अपने घर पर लगा सकता है, गमले में लगा सकता है, जमीन में लगा सकता है, और मॉर्निंग टू लीफ एम्प्टी स्टोमक मॉर्निंग और टू लीफ इवनिंग में उसको चीव करके इंटेक करेगा तो निश्चित तौर पर। ऐसे ही जो पेट रोग है, जैसे आपको किसी को पीलिया जॉन्डिस, जॉन्डिस के लिए एक वनस्पति आती है मकोई, बहुत ही किफायती वनस्पति है, जनरली खेतों में
या नदी किनारे किनारे मिल जाती है, उसको भी अगर तोड़ के उसकी लीव्स को, उसकी रूट्स को सुखा के अगर पाउडर फॉर्म में लेके वो सामान अगर यूज करता आदमी, तो वो बहुत बहुत ज्यादा हमारे पास बहुत धरोहर है, बसरते उसको संभालने की जरूरत है। अगर हम संभालने की से तात्पर्य है कि अगर हम उनको संरक्षित करते हैं और आम आदमी को, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग सारे आम जनता के प्रति जवाबदार है और जनता के लिए सारा सब कुछ है, चाहे सरकार में जो भी बैठे हों, सरकारों के जो ब्यूरोक्रेट्स हों या छोटा एम्प्लॉय हो, सारे लोग जनता के प्रति जवाबदेही है। तो हम अगर जनता के स्वास्थ्य के प्रति या जनता की परेशानियों के प्रति अगर सजग रहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चीज। सॉइल इस समय सबसे जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड है या जो भी सॉइल है वो सॉइल हमारा जो पॉलिथीन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, पॉलिथीन जो हमारी जमीन की फर्टिलिटी को कम कर रही है, तो हमें इस समय सॉइल के स्तर पर भी काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर का यूज खेती में लोग कर रहे हैं, चाहे यूरिया डाल रहे हों, चाहे डीएपी डाल रहे हों या इंसेक्टिसाइड का यूज कर रहे हों, आफ्टर ऑल उसका जो डिसएडवांटेज है वो ह्यूमन बॉडी के लिए है। आप देख रहे होंगे इस समय रूट हार्मोन का लोग यूज कर रहे हैं, चाहे टमाटर की बात करें, चाहे लौकी की बात करें, चाहे शिमला मिर्च की बात करें, उस रूट हार्मोन से बॉडी में बहुत सारे डिसएडवांटेज। तो हमें चाहिए कि हम जैविक खाद अपनाएं, कंपोस्ट, यानी जो हमारा ऑर्गेनिक का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम करें, और ऑर्गेनिक में इजीली है घर में सब आम आदमी अपने जो भी आपका किचन वेस्ट है उस किचन वेस्ट को एक किसी पैकेट में सड़ाने के बाद उसको आप उसमें यूज कर सकता है। और लार्ज स्केल पर अगर एग्रोफोरेस्ट्री में कोई अपनाना चाहता हो तो एक जीवा मिर्च एक चीज बन रही है, नहीं जीवा मिर्च, जीवा मिर्च के लिए मैं आपको बताऊं कि उसमें काउ यूरिन, काउ डंक, गुड़ और चने की दाल का मिश्रण होता है, उसका एक रेशियो है जनरल, जैसे आपने 20 लीटर काउ यूरिन को कलेक्ट किया, 10 केजी उसमें काउ डंक, 2 किलो गुड़, 2 किलो चने की दाल को अगर मिश्रण करके एक बैकेट में आप एक ड्रम में रख के उसको आप बनाएंगे, 3-4 दिन तक वो लगातार उसमें डिकम्पोस्टिंग होता है, उसके बाद वो जो बन जाता है मिश्रण, आप 16 लीटर के जो स्प्रे पंप होता है उसमें 1 लीटर अगर डालते हैं और वो आपका ऑर्गेनिक मैटर, बहुत ही शानदार ऑर्गेनिक मैटर है, आप किचन गार्डन में उसको डालिए, एग्रीकल्चर लैंड में आप डालिए, किसी भी क्रॉप में आप उसको डालेंगे वो पेड़ को बहुत अच्छी उर्वरा शक्ति देगा और जो आपको उसका उत्पाद मिलेगा, जो फसल मिलेगी वो हार्मफुल होगा, वो हर स्तर पर आपको कम्प्लीट जैविक मिलेगा और जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा। तो हमारी जो जमीन खराब हो रही है, जो जो उसमें केमिकल कंटेंट जो बढ़ चुके थे वो भी एक प्रकार से दोबारा। इसके अलावा एक और बहुत जो अहम मुद्दा इसमें है वो है जो हमारा एयर पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन को रोकने में भी वनस्पतियों का बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारे टॉल प्लांट हैं वो आपके एयर पॉल्यूशन को रोकते हैं, उसमें पाम एक स्पीसीज है, वो भी इसका भी बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा जो बाढ़ आ रही हो, आंधियां चल रही हो, तूफान आ रहे हो, इस तरह को रोकने में भी सिर्फ और सिर्फ वनस्पतियों का ही रोल है। तो इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में हमें अपने वनस्पतियों को कंजर्व करना पड़ेगा, संरक्षित करना पड़ेगा, आम जनमानस को उससे जोड़ना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि इसके लाभ क्या है। आम जन कम मात्रा में समझ रहा है कि इन वनस्पतियों से हमें क्या उम्मीद है। जो वृक्ष कटर है, जो पेड़ों को अवांछित रूप से काटने की जो लोग करते हैं, उनको भी हमें संज्ञान में लाना पड़ेगा। या सबसे पहला जो हमारा सोर्स होगा वो होगा स्कूल कॉलेजेस। हम अगर बचपन से ही बच्चे के दिमाग में ये चीज डाल दें कि जो वनस्पतियां हैं ये हमारे जीवन प्राणदायक हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ेगा तो उसको उसकी यूटिलिटी का मालूम चलेगा कि ये पेड़ हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इससे हमको हमें भोजन दे रहे हैं, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमें कपड़े दे रहे हैं, हमें मेटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, तो इसलिए वो धीरे धीरे कंजर्वेशन की भावना उसकी जगह। और ये
एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों का कि जो भी इसमें से नीति निर्धारक बनेगा वो आगे ऐसे नियम लागू करेगा कि ताकि आम जन इस वनस्पतियों के बारे में संज्ञान बना सके। दूसरा एक और पहलू है, वो है जो हम जो हमारी पानी की जो छिड़ता हो रही है, जो पानी में बहुत सारे खराबी हो रही है, उसको हम कैसे, उसके लिए भी जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है, उन नेचुरल रिसोर्स में इस तरह के प्लांटेशन हम करें ताकि हमारी पानी की जो प्योरिटी है वो साफ निकल सके। खास जैसे बेम्बू का एक उस पर रोल है, बहुत ज्यादा रोल है कि बेम्बू के प्लांटेशन अगर हम करते हैं तो वो हमारे जो वाटर रिसोर्स है वो उसको भी साफ करते हैं। और बहुत सारे अगर हम उन हिमनद की बात करें या पर्वतीय क्षेत्रों के उन, जैसे नॉर्थ ईस्ट है या यहाँ पर उत्तराखंड का हिल्स है या दूसरे हिल्स हैं, उन हिल्स में जो नदियां बह रही हैं, और आफ्टर ऑल वो नदियां भी सीधे क्योंकि वाटर लेवल को कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से लिंकेड है, तो ऐसी हमारे पास प्रजातियां होनी चाहिए जो हमारे पानी को भी साफ कर सके और पानी को बढ़ाएगी। इसमें खासतौर से कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जैसे तून, टूना सिलेटा एक स्पीसीज होती है, एक खाक्सी एक स्पीसीज है, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिनको हम वनस्पतियों से उनको रूबरू कर सकें और अपने वाटर कंजर्वेशन की बात कर सकें। इस समय जो पलायन की बात हो रही है, जो रोजगार की बात हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वनस्पतियों से लोगों को जोड़े और वो अपना रोजगार करें। अगर हम बेम्बू की बात करते हैं, बेम्बू एक ऐसा प्लांट है जो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर से अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में खासतौर से हिंदुइज्म की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम पालना से अर्थी तक उसका रोल है, यानी जीवन और मरण से जब बच्चा पैदा होता है जो जो उसका पालना बनता है वो भी बेम्बू का बनता है, और जब लास्ट में एंडिंग हो रही है जो उसका वो साज है वो भी बेम्बू का बनता है। तो बेम्बू हमारे आम जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, बेम्बू मकान की जो मकान बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स मटेरियल में बेम्बू का बहुत बड़ा रोल है। जो हमारे मटेरियल्स थे इस समय तो बेम्बू की प्लाई में बेम्बू यूज होता है, बेम्बू के फर्नीचर बेम्बू बन रहे हैं, चेयर कुर्सी। दूसरा, अगर हम कुटीर उद्योग की बात करें, जो चटाइयां हैं, टोकरियां हैं, रस्सी है, इसमें बेम्बू का बहुत बड़ा रोल। नॉर्थ ईस्ट की अगर आप करें बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में सारी अधिकतर जो हमारा लाइवलीहुड है वो बेम्बू से। बेम्बू बहुत अच्छा सॉइल वेंडर है, जमीन को कटाव को रोकने के लिए बेम्बू का बहुत बड़ा रोल है। बेम्बू में एक और खासियत है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बेड़ियों के नीचे। बेम्बू का एक और बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हमने किया है यहाँ पे, बेम्बू पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान में जो रोड एक्सीडेंट को कम करने में भी बेम्बू का बहुत बड़ा, जो ढलानदार पहाड़ है जिनमें रोडे बनी हुई है, अगर गाड़ी गिरती है, अगर हमारे पास बेम्बू के प्लांटेशन नीचे से होंगे तो वो अगर गाड़ी इनकेस अगर गाड़ी कहीं डैमेज हो गई, गिर गई तो डैमेज होगा। थ्री लेयर फोर लेयर अगर बेम्बू का हम प्लांटेशन करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। हमने यहाँ पर नैनीताल के पास एक एक्सपेरिमेंट वहाँ पर किया हुआ है, वहाँ पर प्लांटेशन किया हुआ बेम्बू का, तो उस क्षेत्र में एक्सीडेंट में जो कैजुअलिटीज होती है उसमें बहुत कमी आई। बेम्बू की तरह ही और दूसरे स्पीसीज है जिनसे हम जिनका बार्क निकाल के यूज कर सकते हैं, जिनके लीफ से यूज कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसे लीव्स हैं। हम पॉलिथीन का जो खासतौर से आपके जो बर्तन बन रहे हैं जो बहुत सारा पॉल्यूशन कर रहे हैं, जैसे आपके होटल्स वाले करते हैं या शादी ब्याह में होते हैं, वो जो जो प्लास्टिक्स का जो बना हुआ है उसका उपयोग न करके अगर हम वनस्पतियों में लीव्स, पौधों के लीव्स से करें। एक स्पीसीज है यहाँ पे खासतौर से जो लीव्स होते हैं सभी जगह होती है, उसको बालू करके बोलते हैं यहाँ पे, बहुनिया बहलाई पॉटिंग डे सबसे पहले, उसकी बहुत सारी क्वालिटी होते हैं। यहाँ पे पहाड़ में सबसे पहले उसको तमाकू के केस के लिए करते थे, अभी मिठाइयाँ उसको बंद होती हैं जो आपके चाट और खाने के लिए डोने बनते हैं। तो अभी हम रिसेंटली उस पर शोध कार्य भी चल रहा है और ये लोगों को इसके लिए जागरूकता करनी जरूरी है कि हम प्लास्टिक की जगह अगर हम पत्ती लाइफ उसका यूज करें तो वो हमारे लिए। एक और सबसे खतरनाक है इसमें जो स्ट्रॉ, चाहे वो
नारियल पी रहे हूँ या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हूँ, जो स्ट्रॉ है वो स्ट्रॉ प्लास्टिक की स्ट्रॉ बहुत ही खतरनाक है, नालियों को छोक कर रही है। हमारे पास एक प्लांट है रिंगाल, उस रिंगाल की जो जो डंडी है वो आपको फाइव स्ट्रॉ का काम करेगी, और उसमें काम भी चल रहा है और उसमें यूज भी हो रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ जो इसमें बहुत सारे जो बच्चे आगे नीति निर्धारक बनेंगे उनको इस बात को समझना होगा कि ये हमारे जो प्रदूषण के जो भी जो स्रोत है उन स्रोत को हमको नियंत्रण में लाना पड़ेगा, ताकि हमारी लैंड भी खराब ना हो और हमारा प्रदूषण। इसके साथ साथ जो रोजगार के लिए जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उस स्मॉल इंडस्ट्रीज में जैसे सोप की अगर हम बात करेंगे, साबुन की हम बात करेंगे, जो हमारा केमिकल साबुन आ रहा है उसके बजाय हमारे पास वृक्ष प्रजातियां एक रीठा होता है, उस रीठे की जो फलियां हैं उसके बाहर जो गुदा होता है वो उससे बहुत बेहतर बनता है। या एलोवेरा की अगर हम बात करें, एलोवेरा हल्दी की बात करें, इनको सब इनका मिश्रण करके अगर हम लोग लाइवलीहुड में अपने रोजगार में इसको अपनाएं तो ये हमारे लिए हमारे पॉल्यूशन को कम करेगा, स्वास्थ्य की जो हमारे आपके त्वचा के संबंधी रोग हैं उस रोग को भी कम करेगा। तो ये एक मेरा मोटा मोटा आप लोगों से एक अनुरोध था और एक मेरा जो अनुभव था वो मैंने आपको शेयर किया, और अगर इसमें किसी तरह की कोई किसी की कोई कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रेज कर सकते हैं, और मैं आभार व्यक्त करूंगा पीयूष जी का कि आपसे मुझे गुरु होने का मौका मिला। पीयूष जी जी सर धन्यवाद सर, आपने इतना बढ़िया विषय अलग अलग तरीकों से मतलब किस तरीके से एनवायरनमेंट कंजर्वेशन किया जाए वो सब विषय रखे, तो किसी के भी डाउट्स हो तो वो हैंड रेज करे और अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जो व्यवहारिक ज्ञान सर ने दिया है आज नेचर कंजर्वेशन का, अगर आप लोग जीएस पेपर 2 में अगर आप लोग जो है एनवायरनमेंट का जो पेपर आपका होता है उसमें अगर जाके ये कोर्स करेंगे, जैसे कि बेम्बू की ट्रिपल लेयरिंग की जो बात की गई उसको अगर रियल टाइम बेसिस पे अगर वहाँ जीएस पेपर में कोट किया जाए तो आपको एज देगा अपने कॉम्पिटिटिव पार्टनर्स से, क्योंकि सब जीएस में उतना तो सभी लिख रहे हैं जितना सबको पता है, बट ये जो है आपको एज देगा क्योंकि ये व्यवहारिक ज्ञान से आया है। तो अगर किसी को और कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क, और नहीं तो ये सेशन अभी 2 मिनट करीब और चलेगा, उसके बाद दोबारा से रिज्वाइन करना पड़ेगा सबको, तो किसी के जो भी डाउट्स हो वो तो प्लीज पूछिए, चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एनवायरमेंट कंजर्वेशन नेचर से रिगार्डिंग और मतलब मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जिसके भी जो भी डाउट्स हों वो प्लीज सर से पूछिए, और मैं समझता हूँ कि सर जो एनवायरमेंट के एनवायरमेंट एनवायरमेंट कंजर्वेशन के मामले में मैं सर को अथॉरिटी बोल सकता हूँ पूरे एनवायरमेंट विषय पर, कि वो जो बोलेंगे दैट विल बी फाइनल और उससे ऊपर शायद ही कुछ होगा, तो जिसके भी जो भी डाउट हो वो प्लीज पूछिए। ऐसा नहीं है पीयूष जी, ऐसा है बहुत तरह तरह की चीजें हैं इस समय आपके पास, बहुत सारा मसाला नेट में मिलेगा, लेकिन जो भी बात मैंने आपको कही है ये क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल बेस है, मेरे पास 35 ईयर का एक्सपीरियंस है और ये सारी एक्सपीरियंस के तहत मैंने आपको बताई गई है, तो कभी भी मेरा नंबर भी आप इनको शेयर कर सकते हैं, कभी किसी को कभी भी पूछना चाहो आप मुझसे कभी पर्सनली भी पूछ सकते हैं, कोई अच्छी दिक्कत नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम इस देश को प्रदूषण मुक्त करें और अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अधिक से अधिक मात्रा में उनका उपयोग करें और उनको कंजर्वेशन करें। जी सर, तो किसी के कोई डाउट्स हो तो प्लीज चैट बॉक्स में या तो चैट बॉक्स में डाल दें, और अगर नहीं हो तो क्योंकि आज का जो सेशन है उसमें थोड़ा सा टाइम लगभग है अभी, तो जिसके भी डाउट्स हैं वो प्लीज डाउट्स को जो है पूछ लीजिए, नहीं तो फिर सेशन को हम लोगों को एंड करेंगे। सर मुझे लगता है कि सभी लोगों के मतलब लगभग लगभग जो चीजें आप